नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। घर में सुख शांति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि घर में सुख शांति रहे, घर में माहौल अच्छा रहे, घर में एक ऐसा माहौल रहे कि मन करे घर में रहने का। बहुत घर ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी सुख शांति नहीं होती, ऐसा दिल करता है उस घरों में, उस घर की स्त्रियों का, या आदमी हो चाहे स्त्री हो बच्चा हो, कि घर से कहीं भाग जाए। क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी सुख शांति चाहते हैं घर में, घर के कलेश दूर चाहते हैं, घर का मनमुटाव दूर करना चाहते हैं, तो घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। किस दिन? शुक्रवार वाले दिन, बुधवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, तीनों दिन में से किसी भी दिन आपको बना देना है। सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास, घर का आंगन है या बालकनी है, जहाँ भी आप तुलसी रखते हैं, घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, घर के कलेश दूर होते चले जाएंगे, घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मिलजुल कर रहेंगे, घर में मनमुटाव नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, हफ्ते में एक बार, हो सके तो दो बार, अगर दो बार आप नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार नमक के पानी का पोछा पूरे घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, वही तो सब चीज़ की जड़ होती है हमारे जीवन में, चाहे वो कलेश हो, चाहे आर्थिक स्थिति डमाडोल करे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी हो। तो सबसे पहले निगेटिव एनर्जी की क्षमता बहुत होती है नमक में खींचने की, तो आपको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर नमक के पानी का पोछा अपने पूरे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये उपाय करके देखिए, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।